आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप बोल के भी पूछ सकते हैं, ऑन द अदर हैंड आप मैसेज भी टाइप करके भी पूछ सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, CSS का एक कंपलसरी पेपर है जिसमें GK का पोर्शन तीन, एक GK के पोर्शन में तीन पेपर होते हैं जिसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है और करंट अफेयर होता है और पाकिस्तान अफेयर होता है। इन टोटल के जो है ना टोटल मार्क्स होते हैं 300। 300 में हमने जो मार्क्स टोटल लेने होते हैं वो 120 लेने होते हैं, मतलब 300 में से हमने 120 लेने होते हैं। अगर हम GS के पेपर में, GS में एक थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसमें अगर हम 60 to 70 या 80+ स्कोर कर लेते हैं तो हम बाकी जो CA है या PA, पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर है, इनमें अगर आप किसी एक पेपर में फेल भी हो जाते हैं तो आप पास कंसिडर हो जाते हैं, अगर आप 120+ स्कोर कर लेते हैं तो, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर तीनों पेपर्स को मिला के। ठीक हो गया। तो बाकायदा क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से, चूंकि ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं, ऑलरेडी हर किसी ने 6ठी 7वीं 8वीं में 9वीं 10वीं में इंटरमीडिएट तक हर किसी ने इसको पढ़ा होता है, तो हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं क्विज से जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं यहाँ पे। साथ में मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी सर, हो रही है। तो अब बताएंगे, अभी शोर हो रही है। हाँ हो रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो कैसा है। क्विज से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्विज है, ये तो बहुत ही आसान है। इन CSS सिलेबस जनरल साइंस एंड एबिलिटी पोर्शन, इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी द एबिलिटी पोर्शन कंसिस्ट ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स का होता है? हाँ जी सर बताइए, फोर्टी तो किसी को कोई आइडिया है कितना होता है? हाँ सर 40 होता है। सर बाकी लोग भी बताएं, आपको कोई आइडिया है इसके बारे में? तो जाहिद मुनीर और ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके बाद माहर कदीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वैसे होता 40 ही है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंगेज करें, जितना ज़्यादा आप इंगेज करेंगे उतना ज़्यादा सीखने का मज़ा आएगा। हाँ जी, जनरल एबिलिटी का पोर्शन जो है ना 40 मार्क्स का होता है ये। इसके बाद ना क्वेश्चन एरिया के बाद हम डिस्कस भी करेंगे कि उसका जो सिलेबस आउटलाइन है, उसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फिजिकल साइंसेज इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड, इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, लिविंग वर्ड, नन। सर इनऑर्गेनिक वर्ड होगा और जो लिविंग वर्ड है उसे नॉन लिविंग वर्ड होगा। जो लास्ट ऑप्शन है ना जी वो, हाँ सही, तो इनऑर्गेनिक वर्ड होगा। इनऑर्गेनिक वर्ड इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो वो लिविंग वर्ड का, लिविंग वर्ड के अंदर आ जाता है। ठीक हो सर गया। वो फिर बायोलॉजिकल साइंस के आ जाएगा, तो ऑर्गेनिक वर्ड की बात करेंगे तो। नहीं, अगर हम लिविंग वर्ड की बात करें तो वो आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लेकिन जो ऑर्गेनिक है ना वो स्पेसिफिक हो जाता है कि विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हम बात करते हैं। एवरीथिंग प्रेजेंट, ये भी आंसर बिल्कुल राइट है आपका, लेकिन एवरीथिंग में लिविंग भी आ जाते हैं, नॉन लिविंग भी आ जाते हैं, मेटल्स भी आ जाते हैं। हम जहाँ पे जस्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक वर्ल्ड की।
इसमें इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो इनऑर्गेनिक वर्ड होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन स्टार्स इज नोन एज, जो दो स्टार्स के दरमियान स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेलर स्पेसेस, इंटरगैलेक्टिक स्पेसेस, गैलेक्टिक स्पेस, स्टेलर स्पेस। सर द सर फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला होगा। सेकंड ऑप्शन जाहिद सर पहला वाला होगा एंड इंटरस्टेलर स्पेस। सेकंड इंटरस्टेलर सेकंड स्पेस। वाह माशाल्लाह, आप लोगों ने मेरे ख्याल में ना जीएस रटी हुई है ना? ये सर जनरल साइंस मैंने पढ़ी हुई है और मैं गुड गुड गुड। मेडिकल स्टूडेंट हूँ इस वजह से आ रहा है। हाँ अब आगे थोड़े थोड़े टेक्निकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन मदद भी से आ आ रहे हैं। चलो ये तो इजी थे, आगे थोड़ा सा आ रहे हैं टेक्निकल क्वेश्चन, तो इसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अबाउट 91 मिलियन माइल्स, अबाउट 92 मिलियन माइल्स, अबाउट 93, 94। विच वन इज करेक्ट आंसर? हाँ जी कंफर्म सर आई थिंक 93 लग रहा है कंफर्म नहीं है वैसे। 93 नहीं है तो अभी कंफर्म कर सकते है हैं। सर। 93। सर एक दफा आप कंफर्म कर लें। इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, इंटरस्टेलर स्पेस, 93, अबाउट 93। आपका आंसर करेक्ट है भाई, माशाल्लाह। फिर से अगला क्वेश्चन उसके बाद है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कैन ट्रेवल इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू। एक लाइट जो वैक्यूम के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 साल के अंदर वो कितना है? ये टेक्निकल टर्म्स हैं, कभी कभी सर इंसान लास्ट ऑप्शन क्या है इसका? इसका लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन इसका है 6314 AU। यही है फोर्थ वाला। हाँ जी, असल में ना जीएसए के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, याद करना बड़ा मुश्किल होता है, ये तो हमें रट्टा ही लगाना पड़ेगा, तो इसके भी हम चीटिंग करते हैं, देखते हैं क्या है। सिक्सटी थ्री टू फोर जीरो ए यू, 63,240 AU इसका जो करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन इसका दुरुस्त है, ठीक है। सर जो ऐसे सवाल होते हैं वो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है नंबर्स वाला। हाँ मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इनको ना हमें टेक्निकली इस तरह से रट्टा लगाना होता है कि बस इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसका वायदा यही है। कुछ चीज़ें हैं एयू एक्चुअल हैं। एयू का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम जो डिस्टेंस के लिए, जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो वहां पे तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर, किलोमीटर, माइल्स। लेकिन अगर हम बात करें ना स्पेस की, तो स्पेस के अंदर जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द कॉस्मोस इज गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, प्लेनेट एंड द यूनिवर्स। विच वन इज द करेक्ट आंसर? सर कॉस्मोस मतलब कॉस्मोस जो भी कॉस्मेटिक एवरीथिंग बॉडीज होती हैं। दैट एग्जिस्ट, यूनिवर्स सर सर फिर यूनिवर्स होगा ना। यूनिवर्स होगा। कॉस्मोस इज दी बेसिकली यूनिवर्स का सेनोनम है कॉस्मोस, अच्छा कायनात को बोलते हैं हम कॉस्मोस। और नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड डे, मंथ, ईयर, लाइट ईयर। ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब एक चांद अपने अर्थ के गिर्द एक मुकम्मल ये होगा कंप्लीट करता है, तो नहीं तुक्का लगाए डे होगा ना मतलब वन इसका कंप्लीट करेक्ट आंसर क्या मंथ है। इसका
मंथ ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए नेचुरल ऑब्जेक्ट विच इज लोकेटेड आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फेयर इज कॉल्ड स्टार, मून, सेलेस्टियल बॉडी, सोलर सिस्टम। बेसिकली सारे क्वेश्चन जो मैंने बनाए हुए हैं टेस्ट वन के अंदर, ये मैंने फर्स्ट पार्ट से ही लिए हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। तो सर सेलेस्टियल वो इसका जो आंसर वो कैलेस्टियल बॉडी होगा ना। बॉडी है ये। सेलेस्टियल बॉडी, अगर हम सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन कर रहे हैं तो क्या बनती है इसकी डेफिनेशन? नहीं सर मून होगा या सोलर सिस्टम, क्योंकि अर्थ के बाहर होते हैं ना ये सारी चीजें, सन हो गया अगर मून हो गया। हाँ देखें, सेलेस्टियल बॉडी हम उन्हें कहते हैं जो हमारा अर्थ है उसके बाहर जितना भी स्पेस है उसमें जो भी चीज पाई जा रही है, इवन के गैस के पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, कोई स्टार है, मून है, या मतलब के सन है सोलर सिस्टम में, इवन के इतने बड़े बड़े जो गैलेक्सीज हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो स्टार भी सेलेस्टियल बॉडीज में आ जाता है, मून भी सेलेस्टियल बॉडीज में आ जाता है, सोलर सिस्टम आल्सो इज अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, अर्थ एटमोस्फेयर के बाहर जितना भी कोई ऑब्जेक्ट पाया जा रहा है सेलेस्टियल बॉडीज उसको बोलते हैं हम। और एक मंथ, अगला क्वेश्चन है, एक मंथ कितने डेज के बराबर होता है? ट्वेंटी सर सी ऑप्शन सर नाइन 29.5, 3, 2, 3। हाँ जी, कोई और बता सकता है इसके बारे में? फोर्थ फोर्थ ऑप्शन इसका ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट कोई और बता सकता है? माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है हमें, तो आंसर भी बहुत सारे आने चाहिए ना। कोई दो आंसर आ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, और कोई? मैं चाहता हूँ कि सब लोग जितने भी यहाँ पे ना पार्टिसिपेट करें इस कन्वर्सेशन में। सेकंड ऑप्शन, हाँ जी, चलें जी, इसको कंफर्म करते हैं कि सेकंड ऑप्शन है कि नहीं है। ओ उप्स, 29.53। एक डे जो होता है, सॉरी, एक मंथ जो होता है 29.53 डेज का होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी किसने पेश की थी? यूरे एंड मिलर ने, फ्रांसिस्को रेडी ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रे जॉर्ज लिबर्टी लिबर्टी ने। चार्ल्स फर्स्ट डार्विन वाला या जॉर्ज हाँ जी, डार्विन 40 होगा। 40 नहीं है इसका। और कोई बता सकता है इसके बारे में? सर आप बता दें इसका। इसका है, जैसे पहले आपने शुरू शुरू में बताया था ना, जॉर्ज, इसका जॉर्ज है ये वाला ऑप्शन, फोर्थ फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन। आप लोग चीटिंग करके बता रहे हैं या एक्चुअल में आपको आता है, मुझे ये बताएं पहले। सर एक्चुअल में ये मेघालय में कंफर्म है, आप चेक कर लेंगे। जॉर्ज जॉर्जिस जॉर्जिस इसका एलिमेंट्रीज। ये देखो ना, जिस और जिस जो ऑप्शन करेक्ट है ना उसके आगे टिक आ रहा है। मैंने इसको प्रिपेरेशन याद से किया होगा, मैं उस पर क्लिक करूँ तो जिस ऑप्शन के साथ टिक आ जाता है ना, तो वो करेक्ट ऑप्शन होता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट, आई थिंक ये एंड हो गया है, क्वेश्चन 10 थे। अगर मैं चाहूँ तो एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको शेयर कर दूँ, या हम आगे सिलेबस की तरफ और टेस्ट पेपर की तरफ चलें, जैसे आप लोग कहें। जैसे आपको सर बेहतर एक लगता क्वेश्चन एबिलिटी का कर लें। एबिलिटी के जो है ना, बेसिकली एबिलिटी के में उसमें से ना ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, उसमें सब्जेक्टिव होते हैं। हाँ जरूर ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है ना, जस्ट और जस्ट आपके साइंस पोर्शन से आता है। जी
CSS में। चलें आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम पेपर्स की बात करें तो थोड़ा सा हम पेपर्स के बारे में देख लेते हैं, फिर हम इसके सिलेबस आउटलाइन की तरफ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को अरेंज कर लूँ। हाँ जी, बताएंगे आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, आई थिंक हो रही है। ये पेपर जो मैंने ओपन किया हुआ है 2018 का है, और अगर हम इसके क्वेश्चन क्वेश्चन वन तो हो गया, बेसिकली इसका 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो इसमें 20 मार्क्स जो है ना एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड होता है, और 80 मार्क्स जो है ना वो सब्जेक्ट होता है, जिसमें 20 20 मार्क्स से ना दो क्वेश्चन हमने जनरल साइंस के पोर्शन से सॉल्व करने होते हैं, और जो दो क्वेश्चन हैं वो हमने जनरल एबिलिटी सेक्शन टू से सॉल्व करने होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर वन को देखें तो समटाइम ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर टू जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एस्टिमेटेड एज ऑफ यूनिवर्स, लूनर एक्लिप्सिस और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ब्लैक होल, ये सारा एक ही पोर्शन से दिए गए हैं, एस्ट्रोनॉमी के पोर्शन से। पुराना मेथड ये है, लेकिन अगर हम 21 22 का पेपर देखें, 21 का देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा शफलिंग की गई है। क्वेश्चन टू की ही अगर हम बात करें तो पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है स्टार एंड प्लैनेट, ये एस्ट्रोनॉमी से दिया गया है। उसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन टू का दूसरा पार्ट की बात करें तो ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर, ये आईटी के पोर्शन से दिया गया है, और जो सी ऑप्शन है इसका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये भी दिया गया एस्ट्रोनॉमी के पोर्शन फिजिकल साइंसेस में से दिया गया सर, यूनिवर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर टू में बी वाला है, वो कोटेशन टाइप है, उसके उसके बारे में पूछ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करें डिटेल में, तो इस तरह से भी आते हैं, फिर हम ऐसे क्वेश्चन को किस तरह समझे? इसके बारे में आप तो जो पूछा गया है कोटेशन के लिहाज से उसका आंसर आपने करना है, फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। इसके लिए आप यही कोट करेंगे कि उसने एक रेवोल्यूशन इंसान की लाइफ में ना एक रेवोल्यूशन डाल दिया है कंप्यूटर साइंस ने, कंप्यूटर साइंस में सेमी कंडक्टर ने, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, किस चीज की बनी होती है? हाँ जी सर, बताइए। हमारा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन, जी ब्रेन की हैसियत सर, रखती जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे वायर्स वगैरह हो गई या डायोड्स हो गए, तो वो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, इस वजह से कह रहे हैं कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा सेमीकंडक्टर का बहुत रोल है। हाँ तो बहुत रोल है, और आपने ये बताना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रेन कैसे है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ब्रेन इसमें एक्चुअल कंप्यूटर की बात की गई ना, कंप्यूटर एज की बात की गई है, सारा उसी की वजह से इतनी मॉडिफिकेशन आई है, मॉडर्न एज में इतनी डेवलपमेंट हुई है, मॉडर्न एज में इतनी जो तरक्की हो रही है वो उस कंप्यूटर की वजह से हो रही है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में वो बात करता है एनर्जी रिसोर्सेस, ये भी बेसिकली फिजिकल साइंसेस से ही लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर जो तीन पार्ट्स हैं वो लिए गए हैं फिजिकल साइंसेस के पोर्शन, एस्ट्रोनॉमी वाले पोर्शन से और एनर्जी रिसोर्सेज वाले पोर्शन से लिए गए हैं, एक लिया गया है आईटी के पोर्शन से। इसी तरह से अगर हम 29 और 20 20 का पेपर देखें। सर, जी, जो इसके मैंने नोट्स बनाए हैं वो आप मेरे चेक कर सकते हैं? बिल्कुल एवलुएट कर देंगे हम, आप वो मुझे सेंड कर देंगे। मैंने पास पेपर सॉल्व किए, मैं आपको सेंड कर दूंगी, फिर आप बताइएगा कि कौन कौन सी गलती ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। बाकी है। अगर हम थैंक यू सर। 29 का 2019 का पेपर देखें तो इसमें क्वेश्चन टू, अब देखें
18 और 21 में हमने देखा था, उसमें पहला क्वेश्चन उसका पार्ट वन था एस्ट्रोनॉमी फिजिकल साइंसेस के पोर्शन थे, यहाँ पे क्वेश्चन टू में दिया हुआ है बायोलॉजिकल साइंसेस के पोर्शन से। क्वेश्चन का पार्ट वन भी बायोलॉजिकल पोर्शन से दिया गया है, बायोलॉजिकल साइंसेस जिसमें वाइटामिन B1 C A और वाइटामिन के ये सारे, इसके बारे में हमने बताना है। उसके बाद डिजीजेस के बारे में, मतलब उन वाइटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। अगर हम इसका दूसरे पार्ट देखें तो ये भी बायोलॉजिकल साइंसेस से लिया गया है। तीसरा पार्ट, वाई द एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड, जाहिर सी बात उसके साइड इफेक्ट हमने यहाँ पे बताने हैं। और वाई आर साइंटिस्ट वरीड अबाउट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर। हाँ जी, इसके आपने रीजन बताने कि वो क्या खदशात लाक है हमारे एटमोसफेयर को कार्बन डाइऑक्साइड से। चलें थोड़ा सा हम इसके सिलेबस आउटलाइन के बारे में देख लेते हैं, हमने क्या करना क्या है। जी सर, हाँ अरशद खान, आप एक अटेम्प्ट दे चुके माशाल्लाह से सर, यू आर ग्रेट। आपके सर क्या रिजल्ट रहा आपका GSA के अंदर, कितने मार्क्स थे आपके? सिक्सटी प्लस। सही है। वैसे अगर देखा जाए तो आपने इसकी आई थिंक नॉर्मल प्रिपरेशन की थी, इसकी वजह से आपके 60+ है, वरना तो 70+ 80 तक हम इजीली जा सकते हैं। इसमें कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस इसके इस पेपर के लिहाज से? हाँ मैथ मैथ अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो पूरे पूरे मार्क्स इजीली आ सकते हैं। अगला 2024 का अटेम्प्ट आपने देना है या PMS 22 वाला आपने अटेम्प्ट करना है, ये बस एंड। ट्वेंटी फोर अटेम्प्ट करना है, ठीक हो गया, गुड हो गया। चलें जी ठीक है, नेक्स्ट हम इसके सिलेबस आउटलाइन के बारे में देख लेते हैं। जो लोग न्यू हैं और CSS 2024 का अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनको हम थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या वो जो है ना इसमें कवर कर पाएंगे CSS के सिलेबस में। बहुत ही इजी बातें हैं इसमें, जो हमने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी हैं वही बेसिक लेवल्स की चीज़ें यहाँ पे करवाई जाती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि काफ़ी लंबा ड्यूरेशन गुजर चुका होता है और हम ये सारी चीज़ें भूल चुकी होती हैं, क्योंकि हम आगे सब्जेक्ट स्पेसिफाइड हो जाते हैं। कोई बायोलॉजी का पोर्शन आगे लेके चलता है, कोई फिजिक्स का पोर्शन लेके चलता है, मतलब जो सब्जेक्ट जिसमें आप मास्टर करते हैं बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो इसमें अगर आपको फ़ायदा होगा, एज होगा, तो इस बात का होगा कि जिस पोर्शन में आपने मास्टर किया हुआ है उस पोर्शन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और दूसरे पोर्शन में जो है ना आप थोड़े से वीक रह जाएंगे, इसलिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी लाजमी तौर पे। तो पेपर अगर हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात करें तो इसमें जनरल साइंस का पोर्शन होता है पार्ट 1 60 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 जनरल एबिलिटी का पोर्शन होता है 40 मार्क्स का होता है, और फिजिकल साइंस पार्ट 1 में बात करें तो हम इसको 4 से 5 डिवीजन में सब डिवाइड करते हैं। इसमें फिजिकल साइंसेस होता है, जैसे हमने बात की थी, एक क्वेश्चन आया हुआ था पीछे हमने डिस्कस किया था लूनर एक्लिप्सिस, वो प्रोसेस ऑफ नेचर, वो फिजिकल साइंसेस से क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग का भी कोई क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी फिजिकल साइंसेस से है। फर्टिलाइजर्स वो भी फिजिकल साइंसेस से है। और बायोलॉजिकल साइंसेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमने प्रीवियस पेपर में देखा था, वहाँ पे वाइटामिन का आया हुआ था, तो बायो मॉलिक्यूल्स, बेसिकली वाइटामिन भी बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन वो भी बायो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, उनके लिए
हमें उनको भी स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी, अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड से ताल्लुक है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली टू टू थ्री जो मेजर पार्ट्स हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंसेज हो गया, बायोलॉजिकल साइंसेज हो गया, जैसे ये है इन्वायरमेंटल साइंसेज। इसमें हम पोल्यूशन की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लैंड वाटर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, किस तरह से हम पोल्यूशन को ओवरकम कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट डिस्पोजल वगैरह। और ये फूड साइंस है, जैसे मैंने बताया था, तीन पोर्शन हैं साइंस के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को काफ़ी एज देते हैं, और जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स ताल्लुक रखते हैं उनके लिए जो मैथ पोर्शन है वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग रह जाता है, अगर लेकिन फिर भी वो अच्छे से मेहनत करें तो इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। फिर आ जाता है एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का पोर्शन, कंप्यूटर की जो बेसिक्स होती हैं, सैटेलाइट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एबिलिटी पोर्शन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एबिलिटी, बेसिक मैथमेटिक्स स्किल, अलजबरा, एवरेज रेशियो, ये वही चीज़ें हैं जो हमने 6, 7, 8 में पढ़ी होती हैं, ठीक है जे। और उसके बाद थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल एंड सोशल एबिलिटी, ये सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये तो सारा सारा सिलेबस आउटलाइन। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि मीटिंग का जो सेशन है वो एंड होने वाला है, तो आज ही से कोई हम एक टॉपिक डिस्कस करें या कल से बकायदा से क्लास स्टार्ट करें अपने। चलें जी, कल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लोग जीएसए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर देंगे, उनका कोई टॉपिक है, उनने राइट किया है, वो अपना टॉपिक एवेलुएट करवाना चाहते हैं, तो वो मुझे सेंड कर देंगे, मैं उनको चेक करके वो वापस रिटर्न कर दिया करूँगा, ठीक है। और अच्छे से हम ताकि इसकी ना तैयारी कर पाएं, और आप लोग इसमें से, मैं अश्योर तो नहीं करता, लेकिन 70+, अगर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो 70+ मार्क्स आप इसमें से अच्छे से गेन कर सकते हैं सीएसएस 2024 में। और पीएमएस में जैसे कि आपका जनरल नॉलेज के पोर्शन में एवरीडे साइंस का पोर्शन होता है ये, तो हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे कि ईजीली टेक्निकल तरीके से जो भी टर्म्स इसमें यूज हुई है उनको याद रखेंगे, ताकि हमारा जो पीएमएस का जीके पेपर है वो भी इजीली कवर हो जाए। इवन जो जनरल साइंस का एवरीडे साइंस का पोर्शन है उसमें तो हमारे जितने भी एमसीक्यूज हम सॉल्व करें उसमें पूरे से पूरे मार्क्स आए। इसके अलावा हमारा जो सेशन होगा जीएसए का, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका उसके हवाले से, बाकी मैं क्लासेस के हवाले से आपको बता दूं, आपकी जो क्लासेस हैं कुछ क्लासेस आपकी स्लाइड्स पर हुआ करेंगी, कुछ पीडीएफ फाइल्स के जरिए शो करके हम आपकी क्लासेस कनेक्ट करेंगे, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि हम सर, वर्चुअल व्हाइट बोर्ड यूज करें। हम अगर कंपलसरी सब्जेक्ट में जनरल साइंस ना चूज कर, मतलब अभी क्योंकि ना मेरी तैयारी हो गई है, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैंने जनरल साइंस की ऑलमोस्ट कर लिया है तैयारी, तो अगर वो कंपलसरी में हम नहीं करते, उसके बदले में कोई और कर लेते हैं तो ठीक है। असल में जो मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड